छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीते दिनों दुर्ग जिले के दौरे पर थे, जहां उन्होंने भारी औद्योगिक क्षेत्र भिलाई में नवनिर्मित रेल इंडस्ट्रियल पार्क का लोकार्पण किया। रेलवे इंडस्ट्रियल पार्क में रेलवे से जुड़े औद्योगिक यूनिट के लिए आवश्यक अधोसंरचना का निर्माण किया गया है। रेल पार्क में 8,40,00,000 रुपये की लागत से सीसी रोड, पाइपलाइन, ओवरहेड टैंक, स्ट्रीट लाइट आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इस बेहतर अधोसंरचना के माध्यम से यहां आने वाली रेलवे के लिए अनुसांगिक यूनिट तैयार करने वाली कंपनियों को आसानी होगी। इसके साथ ही हल्के एवं भारी उद्योग क्षेत्र के लिए भी 4.25 किलोमीटर सीसी रोड का निर्माण किया गया है, जिसकी लागत 12 करोड़ रुपये है। सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और 15 साल तक शासन करने वाली भाजपा की सरकार पर खुलकर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पूर्व में डॉक्टर रमन सिंह ने हर समय न्यूयॉर्क और चीन जाया करते थे और कंपनियों को लाने की बात करते थे, लेकिन केवल MOU हस्ताक्षर किया जाता था, धरातल पर फैक्ट्रियां ना के बराबर आती थी। भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने नई उद्योग नीति बनाई, जिसका फायदा मिल रहा है। अब तक छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 167 MOU साइन किए गए हैं, जिसमें 90 से ज़्यादा उद्योग छत्तीसगढ़ में आ चुके हैं। दुर्ग से विजयलक्ष्मी चौहान की रिपोर्ट, VLC एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए। आज उनके कितने रमन सिंह जी कभी न्यूयॉर्क जाते थे, कभी चीन जाते थे, कभी और कहीं जाते थे, कौन सा उद्योग आया? और आज हम लोगों जो उद्योग नीति 2019-24 जो बनाया, उसके कारण से 167 MOU हो गया है और प्रभावकारी कदम 90 उद्योग ने लगा लिया है। ये बड़ी उपलब्धि है, हमने स्थानीय लोगों पर विश्वास किया। नए लोगों को रोजगार देने के लिए कैसे सरलीकरण नगर भी है, इंडस्ट्रियल एरिया भी है, और इसे अखोज में एक नई उपलब्धि रेलवे पार्क के रूप में इसे डेवलप किया गया है। 8,40,00,000 रुपये की राशि से इसमें सीसी रोड भी है, नाली भी है, स्ट्रीट लाइट भी है, पानी की पाइप लाइन है, ये सारी जो बेसिक आवश्यकता है उसके यहाँ डेवलप कर दिया गया है। 22 भूखंड है और रेलवे पार्क के रूप में जो रेलवे में जो एसी सीरीज लगते हैं, जो सामान लगते हैं, मशीन लगेंगे, उसके निर्माण यहाँ होगा। रेलवे को भी सुविधा होगी सामान में, और यहाँ के उद्योग जब लगेगा तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। सीएम साहब, आपने आरोप लगाया है कि